पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी विधायक नसीर खान आयकर की रडार पर हैं। हाल ही में हुई छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने उनसे लखनऊ कार्यालय में पूछताछ की। इस दौरान कई सवालों पर विधायक चुप्पी साधे रहे। आयकर सूत्रों के मुताबिक अपनी संपत्तियों के बारे में विधायक ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। आयकर अधिकारियों ने उनसे पूछा कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति की घोषणा की गई है, लेकिन ITR क्यों नहीं जमा करते। आयकर सूत्रों के अनुसार अधिसंघ सवालों के जवाब विधायक ने नहीं दिए। पूछताछ के दौरान वह काफी बेचैन दिखे, कभी पानी मांगकर पिया तो कभी इधर उधर देखने लगे। आयकर के अधिकारियों ने चमरोआ रामपुर से विधायक नसीर खां को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े सवालों के संबंध में बुलाया था। इस ट्रस्ट में शामिल सभी पदाधिकारी आजम खां के करीबी लोग हैं। विधायक नसीर अहमद खां इस ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं। खुद आजम खां संस्थापक तथा आजीवन अध्यक्ष हैं, जबकि लखनऊ के ही मुश्ताक अहमद सिद्दीकी इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आयकर की टीम ने नसीर खां के अलावा मुश्ताक अहमद सिद्दीकी के घर भी छापेमारी की थी। आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा ट्रस्ट की सचिव हैं। अपने हलफनामे में विधायक नसीर खां ने 4 करोड़ की चल अचल संपत्तियां दर्शाई थी। विभाग जौहर ट्रस्ट को मिले पैसे का हिसाब तलाश रहा है। आयकर अधिकारियों को शक है कि कुल 800 करोड़ की टैक्स की हेराफेरी की गई है। इसी संबंध में संबंधित पक्षों से जवाब और दस्तावेज मांगे गए हैं। आयकर की टीमों ने 13 सितंबर को रामपुर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और MP के विदिशा में 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर सूत्रों के अनुसार जौहर ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों और आय के बारे में विधायक ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं छापेमारी के दौरान ट्रस्ट के अन्य कुछ पदाधिकारियों ने बयान दिया था कि इस मामले में विधायक नसीर खां बेहतर बता सकते हैं। अब आयकर उनके सामने विधायक से पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है।